तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे और आपको मेरे ब्लॉग शायद अच्छे लग रहे होंगे। आगे आगे मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। आज मैं आया हूँ बहुत टाइम बाद, कहीं पे डिनर करने की सोच रहे थे हम सारे दोस्त वगैरह मिलके। तो अब हम ज़्यादातर जिस पे डिनर करने जाते हैं वो एक ढाबा है पश्चिम विहार का, फेमस शंकर ढाबा, काफ़ी बंदों ने सुना होगा। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो भाई हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, मेरे से ज़्यादा नहीं है, बट चलो मिलवाता हूँ। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं शंकर ढाबा। एंड ये पश्चिम विहार में एक ऐसे ढाबा है जहाँ पे पूरे प्रॉपर लाइक पंजाब जैसे हम जाते हैं या रोड साइड पे ढाबे होते हैं उसकी पूरी फीलिंग आएगी आपको। बहुत कुछ भी, थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा बोला इसने, अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश करता है ये बोलने की, बट इसे बोलना नहीं आता। थैंक यू सो मच गाइस के पहुँचिंग में। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे शंकर ढाबा, ये पीछे अपना एंजॉय कर रहे हैं, हम आ गए सामने शंकर ढाबा। शंकर का ढाबा, शंकर का ढाबे पे पहुँच चुके हैं। तो हमारा टेबल ये देखो लग चुका है, ये टेबल काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो हमारा टेबल लग चुका है, तो हम देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। वैसे तो हमारा क्या होता है वो जो हम डेली वैसे पे बोल दो, यहाँ पे जो हम खाते हैं वैसे वो है हमारा कढ़ाही पनीर। काफ़ी बंदों की वो होती है कि मेरी आवाज़ बहुत धीरे आती है, इसलिए मैं आज तेज़ बोल रहा हूँ, ये थोड़ी धीरे बोल रहा हूँ। ये अब शर्माने लग गया, अब मैं शर्माते नहीं, मैंने भी चलाया तो पहले भी नहीं शर्माता था, बट बीच में वीडियो जब मैंने शुरू करी बनानी तब मेरे को थोड़ा शर्म आने लग गया। तो दोस्तों हम करते हैं अब ऑर्डर, आपको बताते हैं यहाँ पे क्या प्राइस वगैरह है यहाँ का। वैसे तो बहुत रेट इसके रीज़नेबल रेट है इसके, और हम कर रहे हैं ऑर्डर, आपको दिखाते हैं शंकर ढाबे का शंकर कमाल। तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ, आपके सामने आता रहता हूँ, कुछ ना सुनते हैं ये मेरे बारे में क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके और मेरे बारे में कुछ आप कहना चाहें कि मैं कितना अच्छा बंदा हूँ? आप हमेशा हमें बुला के खुद कहीं और चले जाते हो, तो हमें बहुत बुरा लगता है यार। पता नहीं कहाँ एक बार हुआ, एक बार पहले भी ऐसे किया था, पहले बोलता है कि आज चलते हैं, आज चलते हैं कहीं, और खुद कहीं और चले जाते हैं। अलग ही बंदा यार ये, पाली से बात कराओ। पाली जल्दी बोल गाइस, क्या बोलूँ, आज तो इसने इतना लेट करा दिया, 8:30 बजे टाइम दिया था, 9:30 बजे आया है। चमक रहा है लड़का। आज बहुत खराब ही हो। आज ये ऐसे तैयार करा के लाया मुझे, जैसे क्या बताऊँ छोड़ो। अरे कहना क्या चाहते हो गाइस, ये जोन सा हमारा सरप्राइज था, एक टेबल हमारा पीछे लगा हुआ है जहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, तो आपको हम दिखा नहीं सकते, सॉरी गाइस। गाइस ये हमारी फर्स्ट आइटम आ गई है, कटोरियों में, छोटी छोटी कटोरियों में हमें मिलती है। जब ये तक नहीं आता तब तक इससे पेट भरेगा। अभी हम ये खा के गुजारा करेंगे। ये देखो शुरू, भूखा सांड प्रमोशन क्यों कर रहा है यार उसकी, भूखा सांड। ओ शो सॉरी। ये देखो प्याज हमने स्पेशल मंगवाए हैं, ये आपको मिलेंगे नहीं, ये मंगवाने पड़ेंगे। तो ये आ गए हमारी कढ़ाई पनीर गाइस, देखो कितनी यम्मी लग रही है। ओ ये देखो
क्रीम डाल के पूरा मक्खन मोटा सा डाल के मजा आ जाएगा भाई ये खाने में तेरी माँ का। तो गाइस देखिए ये हमेशा खुद पहले फूड टेस्ट करता है और हमें ठंडा ठंडा बाद में खिलाता है, खुद गरम गरम पहले। मस्त है भाई मस्त। तो गाइस इतना टेस्टी है कि क्या बताऊं। चलो चलो। तो गाइस ये आ गए हैं हमारे लच्छे परांठे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यो लच्छा है, यो लच्छा परांठा। एक ट्राई दिस। एंड ये हमारी है चाप आ गई, केएमसी चाप है हमारी। तो गाइस ये मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको कैसा है, इसकी ग्रेवी टेस्ट करके बताऊंगा। गाइस एक प्लेट से जब तक ये टेस्ट कर रहा है, इससे पहले मैं टेस्ट करके खाता हूँ। मस्त है दोस्तों, जरूर ट्राई करना, यहाँ का फूड ऑप्शन है और रीजनेबल भी है, तो एक बार जरूर विजिट करिए और यहाँ पे अपना रिव्यू दिए और हमारे कमेंट्स में भी लिखिए कि आपको कैसा लगा अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो। थैंक्स गाइस। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो वेजिटेरियन है ना उसके लिए बेस्ट है, उसके लिए यहाँ पे बेस्ट खाना मिलेगा आपको, और ज़्यादा ये नहीं कि बहुत महंगा है। आप हमारा आ गया है यहाँ पे, डिशें पूरी तैयार हो गई है, अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें देखो कितनी जल्दी हो रही है, साड़ों को मेरे से पहले उठा लिया, कोई बात करना नहीं चाहता। अब ये मैं ही चला रहा हूँ, ये देखो कितनी जल्दी है इन्हें खाने की। चलो गाइस अब आपको खाने के बाद मिलते हैं। गाइस ये हम बीच में ही खा रहे हैं, बट ये अपनी प्लेट बनाता है क्योंकि इसका खाने का तरीका देखो मेरे हाथ देख के। क्या चल रहा है भाई, मजा आ रहा है फुल पाली की कह रहे हैं, नज़ारे लग गए हुए, चटनी आ रही है, प्याज आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम सब कुछ चटपट सब कुछ खा पी के टाइट हो गया है। ये देखो यहाँ पे सारा खाली कर दिया, हमारा बिल आ चुका है, ये नमकीन हमारे लिए आ चुकी है, हमारा बिल आया, ये बिल आ चुका है। कितना आया बिल? तो बिल हमारा, अब तीन जानों ने बहुत कुछ खा लिया, हमारा बिल आया 395। तो गाइस आप यहाँ पे ज़रूर एक बार ट्राई करना 395 में कितना कुछ हमने खा लिया है। दो क्या खाया, एक प्लेट पूरी चाप की और हाफ प्लेट कढ़ाई पनीर और सात लच्छा पराठा। गाइस का 400 रुपये में, 400 भी नहीं पूरे लगे हमारे, 400 रुपये में हमने इतना कुछ खा लिया है। ये प्लेटें सेट कर दिया, भूखे बड़े थे। तो ऐसे ही गाइस छोटी मोटी आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, छोटी मोटी जगहों में जा जा के, बड़ी बड़ी जगहों में भी। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, तो इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। चलो गाइस अब इसकी बारी है, ये तो फ्री में हमेशा मिलता है, ये तो हम जेबों में भर भर के लेके जाते हैं। तो टेस्ट कैसा था भाई, टेस्ट होता? टेस्ट तो लाजवाब था यार, टेस्ट तो यहाँ का एंड ही होता है, हमारे हमेशा यहीं पे आते खाने के लिए। तो पाली, अरे बड़ा मज़ा आता इधर खाने का। तो ये हम यहाँ पे ही हमेशा खाने आते हैं, चाहे ओपन में ऐसे खा रहे हैं, बट अच्छा है यहाँ पे सारा खाना वाना, बहुत अच्छा है यहाँ। ये ना खाया तो क्या खाया। तो हम गाइस यहाँ से खा के सब कुछ सेट होके निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं अभी नहीं ख़त्म कर रहा, इनसे पूछ लेता हूँ कुछ। शाह बता भाई, शाह भाई जान की फरमाइश आई है कि आइसक्रीम खाने की। अब हाँ लास्ट हम आइसक्रीम खाएंगे, केड़ी वाली है वो 5 रुपीज़ ऑन वे। अब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये छोरा भाग रहा था वीडियो से। गाइस मैं अगले ब्लॉग में से नहीं आऊँगा, अब मैं देखूँगा आगे वाले ब्लॉग से। ओके बाय पाली, पाली का फ्रेंड आ चुका है यहाँ पे, ये देखो बेस्ट फ्रेंड्स एवर। चलाओ चले। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, मैं कर रहा हूँ सोने की तैयारी, और आज एक स्पेशल बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ आपको। लास्ट ब्लॉग में जो हमारा सीन हुआ था, तो उसके कारण आज फाइनली ये मेरे घर रुका है। क्या गाइस कुत्तों के डर की वजह से मैं यहाँ पे हूँ गाइस। तो वैसे भी रुकता था ये कभी कभार, मतलब कभी कभार नहीं, काफ़ी बार रुका हुआ है,
बट आज इससे डर काफी खौफनाक डर था कि मेरा अभी लास्ट टीका लगने जा रहा है तो उससे पहले दोबारा कंटिन्यू ना हो जाए। ऐसे ही गाइस मेरे साथ बने रही है, तो मैं जा रहा हूँ अब सोने, या ब्लॉग खत्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच, और मुझे अपना प्यार देते रहे, गुड नाइट, शब्बक है, सत श्री अकाल गाइस, चलो चलो बस, सत श्री अकाल, और मैं ऑल व्लॉग में आया हूँ कनेजा, वो वाली लाइन बोलते हूँ, ये मेरी वार है, ये मेरे दोस्त है, हमारी पारी हो रही है। तो गाइस ये मेरा दोस्त है और ये मेरा घर है और ये हमारी पाई हुई है। अबे साले